ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बी। मींस उसके अंदर आपका कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले वाला, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था जो वन मार्कर्स थे, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपके टू मार्कर्स क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया है? एक्सप्रेस टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ओके, एक कंडीशन दे दी गई है x की, दैट x की जो वैल्यू है वो -3π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इस तरह के से दिया गया है। अब मैं इसको क्या करूं कि ये सिंपलीफाई हो जाए? तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, दैट इज ट्रू फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, के tan इनवर्स tan phi इज इक्वल्स टू phi होता है। तो अगर मैं जो ब्रैकेट के अंदर है somehow उसे 10 की फॉर्म में ले आऊं, तो शायद मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंपलीफाई हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ। ओके स्टूडेंट, तो पहले रिवाइज करते हैं 11th के फॉर्मूलाज, जो आपकी स्क्रीन पर 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। दैट इज कॉस एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देन साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये क्या है? ये हमने थोड़े मॉडिफाई कर लिए हैं, राइट? आपने ये पढ़ा था ना कि साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे 2x के प्लेस पे x है, तो आपके राइट हैंड साइड में भी एंगल क्या हो गए? हाफ हो गए। एंड थर्ड तो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है ही, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटी को अब मैं क्या करूंगी? अपने क्वेश्चन में पुट करूंगी टू मॉडिफाई माय क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्या करते हैं। दैट इज टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इन डिनोमिनेटर 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख लूंगी? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक कर लिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ? अगर आप न्यूमरेटर में देख पा रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ कैसे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट? एंड अगर आप सिमिलरली डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? इट इज बेसिकली द आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिमिलरली ये क्या बन रहा है? कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। ओके स्टूडेंट, तो मैंने जो अभी कहा था, आई हैव रिटन इट। अब आप क्या देख सकते हैं कि ये टर्म इसके स्क्वायर के से कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे भी एक बचेगा, ऊपर भी एक। अब जो आपका बचा है, दैट इज कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो इसमें मैं क्या करती हूँ? कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देती हूँ। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज टेन इनवर्स कॉस अपॉन कॉस एक्स बाय 2 क्या आ जाएगा? लिख देते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस एक्स बाय 2, राइट? तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 प्लस यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 क्या होता है? टेन एक्स बाय 2 लिख लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन एक्स बाय 2। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से किया है चैप्टर, सो आप इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं 1 के प्लेस पे 10 बाय 4 लिख दूं, सो ये क्या बन जाएगा? 10 पाई बाय 4 प्लस 10x by 2 upon 1 minus 10 pi by 4 10x by 2। मतलब ये identity बन रही है किसकी? Right, लिख लेते हैं, that is, so ये जो 10 की identity मैंने लिखी, ये यही बन रही है यहाँ पे। ये a हमारा pi by 4 है और b हमारा x by 2। तो लिख लेते हैं। स्टूडेंट, हमेशा जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे इन योर बोर्ड एग्जाम, तो आपको रीजन लिखना है कि व्हाई यू हैव चेंज दिस लाइन टू दिस। मैंने हर लाइन में रीजन लिखा है, दिस, इसके बाद मैंने लिखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद ये आया। अब नाउ आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो मैंने पहले फॉर्मूला मेंशन किया, देन मैं अप्लाई करके करूंगी। क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। सो अब ये किसके फॉर्म में आ गया? 10 इनवर्स 10 थीटा की फॉर्म में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिंपली पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज द आंसर। वी हैव सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन जो हमें दिया गया था। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट्स किए हैं
ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्या गिवन है? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स दे दी गई है जिसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, 3 है, सच दैट के ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a है, ये आपको एक कंडीशन दे दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्या दिया गया है कि भाई एक a मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, राइट, ऐसे ही लिखते हैं हम मैट्रिक्स की फॉर्म में चीजों को। सेकेंड जो इसकी कंडीशन दे दी गई है, लेट्स राइट दैट। अब क्या करते हैं, दोनों को डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ द साइड, राइट, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट लेके, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का डिटर्मिनेंट, राइट। अब a के स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a। बट जो गलती आपको यहाँ नहीं करनी है, इन डिटर्मिनेंट आप ऐसा नहीं है डिटर्मिनेंट 2a में से 2 कॉमन ले लेंगे, नो यू कांट राइट दैट। अगर आपको बाहर लेना है डिटर्मिनेंट में तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, वाई, क्योंकि 3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है। ये कैसे आया, अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा देन यू विल नो। सो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। अब मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 8 डिटर्मिनेंट ए। नाउ सेकंड मिस्टेक, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कट कर दे, नो, इसको इधर लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, लेट्स सी क्या होता है, राइट, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल करके बताती हूँ, लेट्स से कि आपका इस फॉर्म में चीज गिवन है, तो ऐसे थोड़े ना आप एक्स को एस से कट कर देते हो, नो, इसको इधर लेके आते हो, एक्स कॉमन लेते हो, बिकॉज जब स्क्वायर इन्वॉल्व होता है तो देर आर टू वैल्यूज, तो इसीलिए हम इसको इधर लेके आए। अब मैं इसमें से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ए -8। सो बेसिकली अगर यहाँ पे ए की जगह पे एक्स होता तो या तो दिस इज इक्वल्स टू 0 या फिर दिस इज इक्वल्स टू 0, तो आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है और डिटर्मिनेंट ए -8 0 हो सकता है, मींस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 8 हो सकती है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 और 8 इज द आंसर। आपने देखा कैसे निकाला, दैट इज द वे, दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन। स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर स्टेप पे आप कैसे आए यू हैव टू मेंशन द रीजन बिहाइंड इट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, इसका और पार्ट देखते हैं जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज इफ ए मैट्रिक्स दे दी गई है 3, 1, -1, 2, शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। पहली चीज आपको ये शो करनी है। सेकेंड, फाइंड ए इनवर्स। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था तब भी बताया था, अगर दिस टाइप की इक्वेशन आपको दी हुई है तो आप यहां पर जो इनवर्स निकालेंगे वो इनवर्स के फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन निकालेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके पास ए गिवन है, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट इज क्या हो जाएगा, 9 -1 8, 3 + 2 5, देन -3 -2 -5, एंड लास्ट -1 + 4 इज 3। तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब आपके पास ए स्क्वायर भी है, ए भी है, आई क्या होता है स्टूडेंट, आई इज इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की यूज करेंगे, जिस ऑर्डर का ए गिवन है, ए आपको 2x2 ऑर्डर का गिवन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2x2 ऑर्डर के ही यूज करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करते हैं और शो करते हैं कि वो इक्वेशन जीरो है कि नहीं। लेट्स सी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आया, 8, देन -5 × a, दैट इज 3, 1 -1, 2, देन +7 × i, दैट इज 1, 0, 0, 1। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 8 -15 + 7, दैट इज 0। सिमिलरली आपके सारे टर्म्स 0 आ जाएंगे। सो वी हैव प्रूव्ड दैट। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि ए इनवर्स निकालना है, तो इसी इक्वेशन को यूज करके कैसे ए इनवर्स निकालते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखिए, दैट इज ए स्क्वायर, के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स से विद अ होल इक्वेशन, दैट इज ए इनवर्स ए स्क्वायर -a inverse 5a + 7a inverse i इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए इनवर्स ए
इंटू ए माइनस फाइव ए इनवर्स ए प्लस सेवन ए इनवर्स आई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए इनवर्स इंटू ए हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो सिंपली क्या बच जाएगा मेरे पास, ए माइनस फाइव आई प्लस सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालूंगी, क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस फाइव आई बाय सेवन। ओके स्टूडेंट, तो अब कुछ ज्यादा इसमें बचा नहीं है ए इनवर्स निकालने के लिए, मैं क्या करूंगी, वैल्यूज पुट कर देती हूँ, वन बाय सेवन बाहर ले लेती हूँ, पहले माइनस ए की वैल्यू लिखूंगी, देन प्लस फाइव इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख ली मैंने। अब क्या करना है मुझे, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, बहुत इजी होता है, लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया और एडिशन के बाद मेरे पास क्या आया, टू माइनस वन वन थ्री और बाहर ब्रैकेट में वन बाय सेवन है, चाहे तो आप उसकी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट द आंसर एज इट इज एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन मैट्रिक्स के ऊपर थे, बहुत अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी चैप्टर अब तक आपने किए हैं उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक चीज जो आपको क्वेश्चन में दे ही दी गई है, दैट कि जो फंक्शन गिवन है, यू कैन सी फंक्शन है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड उसकी वैल्यू हाफ है अगर एक्स जीरो के ऊपर है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि ये जो फंक्शन है इट इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड कीजिए के की वैल्यू, ये के है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो क्या कंडीशन होती है जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट इज ये कंडीशन होती है कि उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो इन दिस केस वो इक्वल होने चाहिए। तो निकालते हैं वैल्यू, पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। तो जब जीरो नहीं है वैल्यू, टेंडिंग्स टूवर्ड जीरो है, तो कौन सा कंडीशन लगेगा हमारा, फर्स्ट दैट इज वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको किसके इक्वल रखेंगे, एफ एट जीरो। एफ एट जीरो आपको कितना इक्वल है, वन बाय टू, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो लेट्स सॉल्व दिस। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ जो आपने प्रीवियसली पढ़े हुए हैं। दैट इज कि ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, बट अगर cos x हो के x हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट इज सो अगर 2x था तो x हो गया 2 से डिवाइड कर दिया, के एक्स है तो क्या हो जाएगा, के एक्स बाई टू, राइट। तो वहां 1 माइनस cos kx के प्लेस पे मैं ये यूज कर सकती हूँ। सेकेंडली लिखते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो लिख लिया हमने, उसके प्लेस पे इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब क्या करते हैं, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक मैंने क्या किया, इसे रीअरेंज करके लिखा है सिर्फ, आप देख सकते हैं 2 कांस्टेंट था वो मैंने बाहर लिख लिया लिमिट से। अब जो डिनोमिनेटर में था वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, दैट साइन x इंटू x। तो आपने चीज पढ़ी होगी, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और साइन x बाय x है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या मैं यहां पर ये फॉर्म बना सकती हूँ इन डिनोमिनेटर, यस, कैसे बना सकती हूँ मैं ये फॉर्म, मैं डिवाइड बाय x कर देती हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय x कर देती हूँ टू न्यूट्रलाइजेस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1। सेम मुझे यहां करना होगा, साइन के एक्स बाय 2 था तो उसकी डिवाइड अगर मैं साइन के एक्स बाय 2 से कर दूं तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा साइन एक्स बाय एक्स की, मतलब जो एंगल ऊपर है वही नीचे है। अब अगर मैंने यहाँ पे इसकी डिवाइड में लिखा है तो मुझे मल्टीप्लाई में लिखना होगा, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। यहां तक क्लियर है, ये स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने उसको स्क्वायर के अंदर रखा है, यू कैन सी हियर, राइट। तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 1। तो आपके पास ये बचा, तो आप क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड 2 से 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाय 2। अब अगर मैं प्रीवियस वीडियो में जाऊं स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर बाय 2। तो ऑन सॉल्विंग दिस मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1।
सो ये थी के की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। आप क्वेश्चन में भी देखें तो वैल्यू के बाद उसने एस लिखा हुआ है कि वैल्यू एक भी आ सकती है, वैल्यू दो भी आ सकती है, हमारे पास दो आई, के कैन बी वन, के कैन बी माइनस वन। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन निकालनी है एक नॉर्मल की। किसका क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का, जब हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था एज अ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमें नॉर्मल निकालना है कर्व का। कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, एंड ये जो चीज है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y is equals to 7। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो आप हमारा आशाएं का चैनल विजिट कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, और हमारा आशाएं का ऐप भी है जो आपको नीचे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आप वहां रेफर कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम स्ट्रिक्टली बाउंडेड टू टीच द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं सॉल्व। तो क्या कहा गया है स्टूडेंट, कि जो दोनों इक्वेशन दे दी गई हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर दो कोई भी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस वन होता है। लेट से इसका अगर m1 है और इसका m2 है तो m1 into m2 क्या होगा, दैट इज माइनस वन। सो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी यूज इन दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, पहली इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x, सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूं, निकालते हैं स्लोप, कैसे निकालते थे dy by dx करके निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 1 by x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका dy by dx फॉर द फर्स्ट लाइन। अगर ये है तो इस वाले का स्लोप क्या आ जाएगा, यू कैन चेक क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस 1 अपॉन dy by dx, मींस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, फर्स्ट इज स्लोप एंड सेकेंड इज पॉइंट। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड जो आपकी इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करूं तो m1 क्या आ जाएगा, दिस थिंग दैट इज 3 बाय 4, राइट। ये तो पता है ना क्या होती है एक इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल्स टू mx। तो जो x के साथ लिखा होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो अगर मैंने इन दोनों को परपेंडिकुलर करके स्लोप निकाला तो ये आया, और इस लाइन का स्लोप ये है, मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस। रखते हैं एंड फाइंड करते हैं x की वैल्यू, राइट। ये वही वाला फॉर्मूला लगा दिया कि अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज माइनस वन। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इट इज माइनस वन, वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा एंड 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस 2। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे माइनस 2 नहीं ले सकते, तो क्या फिक्स्ड हो गया कि x की वैल्यू 2 है। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं जस्ट पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 2 रख दिया, वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 2। x की वैल्यू भी है हमारे पास, y की वैल्यू भी है, स्लोप भी है, पुट करते हैं और इक्वेशन बना देते हैं नॉर्मल की। सो जो मेरा स्लोप था दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसमें भी हम x के प्लेस पे 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा ऑन सॉल्विंग, दैट इज माइनस 4 बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सब कुछ अरेंज करते हैं, दैट इज y माइनस y नॉट क्या है 5 बाय 2, देन इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है माइनस 4 बाय 3 एंड इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमें निकालनी थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे निकाली है। अब आप इसको फर्दर अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा मैं वो लिख देती हूँ, दैट इज सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा गया है, फाइंड इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं ऊपर ले जाऊं दैट इज sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं डिनोमिनेटर को t एज्यूम कर लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, लेट्स स्टार्ट।
टी एज्यूम कर ले, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड sec एंड माइनस 10x का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt, दैट इज अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt. सो मैं इसके प्लेस पे dt माइनस dt लिख सकती हूँ, राइट, एग्जैक्टली ये मैंने रीअरेंज कर ली, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई dt. अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं एंड लेट सी व्हाट हैपेंस. अब जो आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हुआ वो कुछ इस तरीके से हो गया. अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेट करके क्या आता है, वी नो दैट 1/t + c. अब जो t की वैल्यू आपने फर्स्ट प्लेस पे अज्यूम की थी वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज 1/(1 - 10x + c). सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया, आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, तभी आएगा, प्रैक्टिस से आएगा. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ओके स्टूडेंट, सो जो इसके ऑप्शन में पार्ट दिया हुआ है वो देख लेते हैं. That is evaluate 0 to 1 x bracket के अंदर 1 minus x की power n dx. Student, ये जो question है ये बहुत अच्छा question है. आप इसको directly solve नहीं कर पाएंगे. आप 1 minus x की power n का जो expansion है वो बहुत lengthy हो जाएगा. So, एक छोटी सी trick लगाते हैं, let's see. Okay students, so जो trick मैंने लिखी है that is कि अगर कोई भी फंक्शन है और उसकी लिमिट है 0 to a, राइट, और उसे डिफरेंशिएट करना है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, दैट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. दैट इज कि लिमिट अभी भी 0 to a है बट x की प्लेस पे आप क्या रख देंगे, a - x, और फिर उसे. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू विल सी कि आपका क्वेश्चन कितने हद तक आसान हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलस डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे फॉर्मूलाज पता हैं, तो देयर इज नथिंग मच. अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन कितने जल्दी से सॉल्व होगा. लेट्स स्टार्ट. अब ऑन कंपेयरिंग विद द क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1, राइट, तो लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को, दैट इज ओके. प्रॉपर्टी लगाने के बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा. जहां पर x था वहां अब मैंने क्या कर दिया, 1 - x, राइट. पहले क्वेश्चन में x था, मैंने उसके प्लेस पे 1 - x लिख दिया. देन 1 - x की पावर n थी, सो मैंने क्या कर दिया, 1 - 1 - x की पावर है. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्या देखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0 to 1 - 1 - x इंटू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x की पावर n. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अभी तक सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई है और उसको सॉल्व किया है. अब आगे चलते हैं, मैं क्या करती हूँ, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ विद माय ब्रैकेट x की पावर n को, तो ये और थोड़ा इजी हो जाएगा. लेट्स सी. ओके स्टूडेंट, तो अब ये बहुत आसान है, सिंपल x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, कर दीजिए एंड देन पुट द लिमिट्स, दैट इज इक्वल्स टू. सो यू कैन सी आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/(n+1), देन माइनस का साइन है हमने कॉपी कर लिया. उसके बाद क्या है, x की पावर n+1 का इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, x की पावर n+2/(n+2). अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ लिमिट पुट करनी है और आंसर आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट, सो लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 1/(n+1) - 1/(n+2). दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. बट आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं और थोड़ा सिंपल फॉर्म में आंसर दे सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास, n से n कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी 1/(n+1) - (n+2) इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर n थी, वेरी मच कॉम्प्लेक्स. सिर्फ एक ट्रिक लगाते ही हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, लाइक दिस. एंड दिस इज वेरी वेरी इजी टू इंटीग्रेट. दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन आप करें, ट्राई टू अप्लाई सम ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करने बैठ गए इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी गई है एंड द x इज इक्वल्स टू 2 लाइन. ये दो आपको रीजन या फिर बाउंड्रीज दे दी गई हैं जिसके अंदर का एरिया आपको निकालना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन किसका है, दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन.
तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में भी था, एक क्वेश्चन इसमें भी है, चैप्टर बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ मैंने बनाया है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जो पैराबोला इन्होंने दिया हुआ है दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला, तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन दी हुई है x इज इक्वल्स टू 2, तो यू कैन सी रेड कलर से वो लाइन ड्रॉ कर ली। अब वो रीजन जिसका मुझे एरिया निकालना है, मैं उसको शेड कर देती हूँ, क्या होगा वो रीजन, दैट इज दिस। सो स्टूडेंट यू कैन सी जो एरिया मैंने शेड किया है, ये एरिया आपको निकालना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इट इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे है, तो जितना भी एरिया ऐसा करता है एक साइड का निकाल लेते हैं और फिर इंटू 2 कर देते हैं। लेट सी हाउ। सो इसका जनरल फॉर्म क्या होगी कि ए टू बी से कोई भी लिमिट है जो वेरी कर रही है, और वाई को इंटीग्रेट करना होता है हमें, तो वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8x, और अगर आप ये लिमिट देखें तो क्या है, लिमिट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, राइट स्टूडेंट्स, तो लिमिट रख देते हैं दैट इज इक्वल्स टू 0 to 2। तो इसके बाद मैंने क्या कर लिया, जो लिमिट थी वो लिमिट पुट कर दी, दैट इज 0 to 2 वेरी हो रहा है x, और y के प्लेस पे y की वैल्यू रख दी। अब ये तो एरिया हुआ अपर रीजन का, हमें दोनों का निकालना है, तो मैं इसकी प्रोडक्ट 2 के साथ कर देती हूँ, दैट इज 2 into, अब सिंपल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज, सो अभी तक अंडर रूट 8 कॉन्स्टेंट था, वो मैंने बाहर ले लिया, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें ये 4√2 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 3/2 / 3/2, और उसके लिमिट्स पुट करते रहते हैं, दैट इज 0 to 2। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। सो जो डिनोमिनेटर में 3/2 था वो मैं बाहर निकाल लिया, तो वो क्या बन गया, 2/3। अब लिमिट्स पुट करते हैं, दैट इज 4√2 × 2/3, क्या आ जाएगा, 2³ एंड लोअर लिमिट इज 0, तो वो 0 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4/3 × 2 एंड 2³ और 2½ कितना हो जाएगा, 2² ऑन सॉल्विंग दिस, दैट इज 4 × 2 × 4, क्या हो जाएगा, 32/3 है स्क्वायर यूनिट, हमने उसकी यूनिट लिख दी। सो यू कैन सी के हाउ सिंपल वॉज द क्वेश्चन, कितना छोटा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, प्रिपेयर वेल। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहा गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना है, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू x³ गिवन दैट के y 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, y एट 0 इज इक्वल्स टू 0 की मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, आप इसके वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, कर लेते हैं, दैट इज कर लिए हमने वेरिएबल सेपरेट, अब क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, आगे सॉल्व करते हैं। अब दो बहुत सिंपल इजी टर्म का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, लेट्स सी हाउ। साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos y, एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी, जब आपने साइन वाई को इंटीग्रेट किया -cos y आएगा, एंड इज इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ था एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 + c, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो यू शुड नो कि हम इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। अब एक कंडीशन हमें दी हुई थी दैट 4x इज इक्वल्स टू 0, y इज 0, इसका मतलब क्या होता है, दैट x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 है। ये कंडीशन को मैं अपने ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, -cos 0 इज इक्वल्स टू 0 + c, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, दैट इज -1 इज इक्वल्स टू c, c की वैल्यू -1 आ गई, अब c की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, दैट इज -cos y इज इक्वल्स टू x की पावर 4/4 - ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू कैन सी कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ दो आसान टर्म का इंटीग्रेशन करना था। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है इसमें, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स के जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26।
ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन रीड करते हैं. दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है हुज वन साइड एंड अ डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय को इनिशियल फैक्टर्स दैट इज आई माइनस जे प्लस के कैप एंड 4i प्लस 5k कैप रेस्पेक्टिवली. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. क्या क्या दे दिया गया है आपके क्वेश्चन के अंदर? दैट इज जो साइड है ए उस वेक्टर दे दिया गया है, लिख लेते हैं. दैट इज दूसरा एक डायगोनल दे दिया गया है, मतलब d इज इक्वल्स टू 4i प्लस 5k कैप. तो स्टूडेंट क्या होता है, a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू द डायगोनल वैक्टर, राइट? तो यहां से हम बी वेक्टर निकाल लेंगे. कैसे? डायगोनल वेक्टर माइनस द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 5k कैप. ओके, इसको हमने खोल के लिख लिया. अब आगे इसको सिंपल एड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 4k कैप, या राइट, ये आ गया आपका वेक्टर B. So, आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. हमने अब दूसरी साइड भी निकाल ली. अब मुझे क्या करना है? मुझे एरिया निकालना है. सो बेसिकली मुझे क्या करना है, A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है दो वेक्टर्स की. कैसे करते हैं? I J K. ओके स्टूडेंट, लिख लिया हमने इसे. अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. कैसे करते हैं? I के साथ पॉजिटिव साइन होता है, J के साथ नेगेटिव होता है, K के साथ पॉजिटिव होता है. जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे उसी टाइप से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्या हो जाएगा? I into minus 4 minus 1, then minus J into 4 minus 3, then plus K cap into, K cap के साथ क्या आ जाएगा? 1 into 1, 1 minus minus 3. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. क्या आएगा? Minus 5 I cap and minus J cap plus 4 K cap. Right student? अब इसका क्या करेंगे? अब इसका modulus निकाल लेते हैं. That is, कैसे निकलता है? जो कॉफिशियंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करना होता है. माइनस फाइव का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 44 का स्क्वायर 16. सो ऑन सॉल्विंग आपके पास क्या आ जाएगा? 25 प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 42. मींस अंडर रूट 42 इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो उन्होंने पूछा गया था. सो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. That is question number 27. क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है दैट पास थ्रू द पॉइंट 100, जो 100 पॉइंट से पास होगी एंड कंटेन्स द लाइन आर इज इक्वल्स टू लैम्डा जे कैप. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. जो पॉइंट आपको दे दिया गया है दैट इज 100 एंड जो लाइन वो कंटेन कर रहा है वो क्या है? lambda j cap. So we can write ki r minus i into n vector kya ho jayega is equals to 0. To isko solve kar lete hain aage. So aage agar dekhen ki i into vector n kya hai? 0 hai. J into vector n 0 hai. To vector n ki value kya ho jayegi? K cap. Ab apne formulas mein value put kar dete hain. That is right, n ke place pe n cap, K cap लिख दिया. उसके आगे लास्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारे क्वेश्चन की? दैट इज, सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो वो पूछ रहा है ना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में? अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन टू मिल्क चॉकलेट्स एंड 4 डार्क चॉकलेट्स. ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का बॉक्स है, उसके अंदर 2 चॉकलेट मिल्क चॉकलेट है और जो 4 चॉकलेट्स हैं वो डार्क चॉकलेट्स हैं. सो 2 चॉकलेट्स ड्रॉन एट द रैंडम, ऐसे ही रैंडमली 2 चॉकलेट्स निकाली गई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट. ओके, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. सो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊं तो क्या गया हुआ है? लेट्स से दिस इज अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स, इसके अंदर 2 मिल्क चॉकलेट है एंड 4 डार्क चॉकलेट्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो बनाते हैं टेबल. क्या आएगा आपके पास? ओके स्टूडेंट, 2 चॉकलेट निकालनी है. पहला मैंने कहा कि जो दोनों चॉकलेट निकाली उनमें से एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी. सो लेट्स सी क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी. पहली चॉकलेट निकाले इस डब्बे में से और वो मिल्क चॉकलेट नहीं है, मतलब इस 4 चॉकलेट्स में से हम निकालेंगे क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू, अब सेकेंड चॉकलेट निकालेंगे, सेकेंड चॉकलेट भी मिल्क चॉकलेट नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा? डार्क 4 थी, 4 में से एक निकाल ली, 3 बची. टोटल डब्बे में 6 थी, 6 में से एक आपने डार्क ऑलरेडी निकाल ली है तो 5 बची. सो दैट इज इक्वल्स टू 12/3.
30. तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, जब आप दो चॉकलेट निकालेंगे और दोनों ही मिल्क चॉकलेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जब एक चॉकलेट मिल्क चॉकलेट आए। ओके, जब एक चॉकलेट मिल्क चॉकलेट आएगी तो मैं दो चॉकलेट निकाल रही हूँ। लेट्स से दिस इज फर्स्ट चॉकलेट, दिस इज सेकंड। तो जो मैंने पहली चॉकलेट निकाली वो मेरी मिल्क चॉकलेट आई, तो मिल्क चॉकलेट मतलब 2/6, और जो दूसरी निकाली वो क्या आई, वो डार्क चॉकलेट आई, मतलब 4/5। समझ रहे हैं, 2/6 मतलब दो मिल्क चॉकलेट में से एक चॉकलेट निकालूंगी, उसके बाद एक तो निकल चुकी है तो डिनोमिनेटर तो 5 हो गया, और जो दूसरी है वो मुझे डार्क में से निकालनी है। या फिर और मतलब एडिशन का साइन क्या हो सकता है कि पहली चॉकलेट डार्क है और दूसरी मिल्क, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4/6 × 2/5। राइट स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 8+8 16/30। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि जो दो चॉकलेट निकाली दोनों की दोनों ही आपकी क्या आई, मिल्क चॉकलेट। तो पहले मिल्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, दूसरे की क्या होगी, 1/5। क्यों, क्योंकि एक मिल्क चॉकलेट भी निकल चुकी है और टोटल सेट में से एक चॉकलेट निकल चुकी है, तो क्या हो जाएगा, 2/30। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 28। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था, मैंने निकाल दिया 0, 1 और 2 के लिए। अब इनका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसका आउटकम सबसे ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स दैट पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है एंड पी इंटरसेक्शन एफ गिवन है, और फाइंड करना है पी ई बार बाय एफ बार। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, पी एफ बार, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - PF। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 - PF आपको गिवन है 0.7, दैट इज इक्वल्स टू 0.3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 0.3। फर्दर सॉल्विंग, 1 - 0.9, 0.1/0.3, दैट इज 1/3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सी हाउ इजी वॉज द क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या आप सोच सकते हैं इसको छोड़ने के बारे में, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही बहुत इजी है, एंड यू कैन सी के प्रोबेबिलिटीज काफ़ी क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 3। यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझाने की कोशिश की है, बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो हमारा आशाय का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव कि हमारा आशाय का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड हम जल्द ही आएंगे अपने सेक्शन 4 की वीडियो लेके।